नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24। मऊरानीपुर से पीड़िता के बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता प्रभा देवी पत्नी प्रमोद साहू ने एसएसपी कार्यालय में जाकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि वह घर पर अकेली थी और पड़ोस में रहने वाले राधेलाल तनय लक्ष्मण कुशवाहा उनके घर पर घुस आए और कुल्हाड़ी दिखाकर उसे भयभीत करने लगे और उसके साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता ने इस बारे में अपने पति प्रमोद साहू को बताया तो उसके पति ने राधेलाल के परिवार वालों को उलाहना देने गया तो राधेलाल और तनय उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। और कुछ दिन बाद जब पीड़िता मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट लिखाने गई तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और थाने से भगा दिया गया। तेली समाज की बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी महोदय को ज्ञापन दिया गया और न्याय दिलाने की मांग की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। समस्त तेली समाज की उपजातियों ने एक साथ हुकार भरते हुए ऐलान किया है कि अगर जल्द पीड़िता के साथ न्याय हेतु अपराधियों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो समस्त तेली समाज तैलिक महासंघ के साथ प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा। झांसी से चंचल राय के साथ रवि प्रजापति की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है आपके साथ? गेट लगा के सीधी भीतर घुस गया। मेरी गैरन पकाया कि सीधी यान है लो आ गई, इसलिए मेरी गैरन को घिंची के खुलाई लग गई। उसने हमको मारा है, पीटा है, खींचा भी कई उसने, चार घंटा तक धमकी देते रहो, मारते रहो। इसके बाद में उसको बाहर निकल गया है, गेट की बाहर सांका लगा हुआ, हम खुली रहे अंदर। ये शाम की आए मजदूर कहेंगे मेरे आदमी जब उसने गेट खोले जब बाहर निकली उसके घर उड़ान और दिन गए तो उसने गाली दी के भगा दिया। फिर घर पे आ गए सब लोग। कौन कौन लोग थे? राधी लाल उसकी वो हनुमत नान और वो धनी राम और सभी लोग हथी लड़की हथी के सब लोग सब आगे धमकी दे रहे थे बाहर नहीं निकलना, किसी को सुनाना तो जान से मार देंगे। दस्तक देने वाले हैं विधानसभा चुनाव। बुंदेलखंड की सीटों पर होगा किसका राज? बाजी मारेगी सपा या भाजपा या होगा बीएसपी का राज? कांग्रेस रहेगी किस पायदान पर, यह बताएगा हमारा अभियान। जनता का मन टटोलने के लिए झांसी बबीना के हर गांव में पहुंचेगी बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम। बुंदेलखंड न्यूज 24 के साथ हर रोज देखें जनता के मन की बात हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गणित में। बहुत जल्द आने वाला है चुनावी गणित आपके अपने चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 में।